Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या कहा तूने? एहसान किया मुझ पे? अरे मैंने एहसान किया तुझसे शादी करके, दो जवान बेटियों की माँ से शादी करके, बुड्ढी घुसट। क्या हुआ? अम्मी ने पता है आपके ससुराल वालों से क्या बात की है? उन्होंने रस्म के बजाय शादी की बात की उनसे। क्या कह रही हो? जी हाँ, और ये बात सुन के वो लोग भी बहुत हैरान थे। तो आयान के घर वालों ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा उन लोगों ने, मगर मगर क्या? मगर ये कि उन लोगों के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो लोग भी ये बात सुन के बहुत हैरान है। मैंने हद कर दिया यार। तो मुझे बात समझ में नहीं आई, मंगनी का कहकर शादी का बोलकर चली गई। इसमें ना समझने वाली क्या बात है भी? कुछ लोग होते हैं जो मंगनी पे मुतमईन नहीं होते, उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने कह दिया। अरे इतनी भी जल्दी क्या शादी की? अभी रिश्ता हुए हुए दिन ही कितने हुए जो उन्हें इतनी जल्दी शादी की लग गई? सानिया, हर किसी की अपनी सोच होती है, अपनी मर्जी होती है। मैं या तुम किसी पर अपनी सोच मुसलत नहीं कर सकते। बस रहने दें आप, शादियां इस तरह नहीं होती। अरे गैर लोग हैं, जरा आना जाना करते, एक दूसरे का रहन सहन देखते, उसके बाद शादी होती। ये क्या बात है कि बस चार दिन में शादी कर दो? भाभी की अपनी मर्जी है, वो जो फैसला करें हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्यों जरूरत नहीं है? हमने भी अपनी लड़की यही देनी है, और अब तो भाभी से हमारा डबल रिश्ता हो गया। अब तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम उनके हर मामले में बोलें, समझ गए आप? आप तो बस हर वक्त दूसरों का साइड लेते रहे। और ये बुक रखें, लाइट बंद करें, मैंने सोना है। अम्मी, आपके आयान के घर वालों से बात हुई थी? आपने शादी का कहा इतनी जल्दी? तुम्हें याद है बचपन में मैं तुम्हें एक चिड़िया की कहानी सुनाया करती थी? उस चिड़िया की जो घोंसले की तलाश में इतनी जल्दबाजी से काम लेती है कि उस घोंसले में पनाह लेते हुए ये भी नहीं देख पाती कि उसी दरख्त में एक सांप का बिल भी है। जी अम्मी, लेकिन ये कहानी अभी क्यों? सच पूछो तो कल जो कुछ हंगामा हुआ मैं उससे बहुत डर सी गई हूँ। और इससे पहले कि रशीद साहब से शादी का गलत फैसला तुम्हारी जिंदगी पर कोई बुरे असरात लेकर आए, मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत कर देना चाहती हूँ बेटा। और फिर तुम्हारे बाद मुझे माहिन का भी तो सोचना है। तुम दोनों अपने घर की हो जाओ, हम सबके लिए इस वक्त यही बेहतर है। मम्मी, आपने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? क्यों खुद को इतनी बड़ी आजमाइश में डाला? बोले मम्मी। हाँ भाई, ऐसी क्या बात हो रही थी कि मुझे देखते दोनों खामोश हो गए, चुपकी लग गई? हेमन बेटा, तुम जाओ आराम करो। एमन की वालदा को बता दें कि मैं फैसला कर चुकी हूं, और मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये शादी जल्दबाजी में हरगिज़ भी नहीं करूंगी।
धोखे है, बड़े धोखे है इस राह में, राह में। मामा, आपको क्या लगता है, क्या ताई जान अयान की शादी के लिए इतनी जल्दी अग्री हो जाएंगी? पता नहीं, वैसे मेरी इस सिलसिले में बात नहीं हुई। मामा, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या मतलब? यही कि वो लोग शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? वैसे भाभी, मेरा ख्याल है अरूज कुछ गलत नहीं कह रही। आखिर कौन में ऐसा चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से ना हो? आप ठीक कह रही हैं। हेमंत की अम्मी ने मुझसे जल्दी शादी का कहा तो है, लेकिन कोई माकूल वजह नहीं बताई मुझे। ताईजान, आपको ना ये बातें उनके मोहल्ले से पता चल सकती हैं। हमें वहां जाके पता करना चाहिए। अरूज, किसी के मुतालिक गलत बात करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं तो जस्ट एक बात कर रही हूँ। मामा, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ लेने के लिए। अरे आपा, कैसी हो, क्या हाल है तुम्हारा? अल्लाह का करम है, सब खैरियत से है। भाई रशीद, तुम्हारे घर बड़े मेहमान आ रहे, खैरियत तो है? कोई तकलीफ है क्या तुम्हारे घर? मेहमान मेरे घर में? कब? कल देखे थे मैंने। अरे नहीं नहीं आपा, तुम्हें गलत सहमी हुई होगी। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे घर में मेहमानों ने आना था, लेकिन किसी वजह से वो गलत फहमी कैसी, मैंने खुद देखा था, बड़ी सी गाड़ी में बहुत से लोग उतर रहे थे। पूछा हूं मैं? वो झूठ नहीं बोल रहा मुझसे। बोलने वालों ने सब कुछ बता दिया मुझे कि हेमंत के ससुराल वाले इस घर में आए थे या नहीं आए थे, बता, जल्दी बता। जी आए थे। मुझसे क्यों छुपाया फिर? अरे मुझे क्यों नहीं बताया फिर? तुमने तो कहा था कि अयान के घर वाले यहाँ आना ही नहीं चाहते। मैंने हेमंत के ससुराल वालों से रस्म करने की बजाय शादी करने के लिए कह दिया है। तुम्हारी बेटी और अयान के दरमियान कोई बात तो नहीं हो गई? मेरे कहने का मतलब है कि कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई? जवानी की उम्र है, बंदा जो होता है वो खटक भी सकता है। बस करते रशीद साहब, और खबरदार जो एक लफ्ज आपने इससे आगे कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। इतनी घटिया हो सकती है आपकी सोच? हेमंत बेटा, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दुख का सबब मैं हूं, मेरे गलत फैसले हैं, मुझे माफ कर देना बेटा। प्लीज सबको इल्जाम मत दें। भाभी, आपको ठीक ठाक सुना देना चाहिए था रशीद साहब को उसी वक्त। अगर मैं होती ना आपकी जगह, तो ठीक से जवाब देती उनकी इस हरकत का। अम्मी की हुई गलतियों की सजा हम क्यों भुगते हैं? वैसे तुम में और रशीद साहब में कोई फर्क नहीं है ज्यादा माही, ना वो लोगों की इज्जत करते हैं ना तुम। वाह, ये ठीक है। रशीद साहब आपको कुछ बोले तो आप कोई जवाब ना दें, और जब मैं आपकी साइड ले रही हूँ तो आप उल्टा मुझे सुना रही हैं। मैं तो कहती हूँ मेरी शादी छोड़े, इसकी शादी करवा। इसके मिजाज से इतना डर लगता है ना मुझे। ऋषि साहब फिर तो नहीं हो गया? तुम बैठो, मैं देखती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको मना भी किया था, आप यहाँ क्यों आए? मालूम है मुझे, मगर मैं क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं, अपनी बच्चियों को मिलनी है। वो सिर्फ मेरी बच्चियां हैं, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। पहले भी तुम्हें कहा है, मैं तुम्हारे कहने से क्या होगा, हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। इस रिश्ते से अल्लाह ने मुझे नवाजा है, कोई मुझे अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। ये मेरा घर है, आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ, आप यहाँ से चले जाए। अरे अंकल आप बाहर क्यों खड़े, अंदर आएंगे ना प्लीज। अब आप ही आयान भाई के चाचू आए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मामा आपने बुलाया? हाँ, एमन की वालदा को बता दें कि मैं फैसला कर चुकी हूँ, और मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये शादी जल्दबाजी में हरगिज भी नहीं करूंगी। इन्फॉर्म कर दें उन्हें। ये सब कुछ लाने की जरूरत नहीं थी, मेरा मतलब है अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, खाने वाले बहुत कम है तो चीजें जाया हो जाती हैं। जानता हूँ, अपनी बच्चियों के लिए लाया हूँ। माहीन और एमन मेरी अरूज की तरह है, बेटियां तो सब एक जैसी होती है ना, मासूम और प्यारी। थैंक यू सो मच अंकल, ये आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ माहीन, स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। एमन ने मुझे बता दिया था कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। आपको अभी तक याद है वो बात? आप यहाँ क्यों आए? कोई काम था यहाँ पे? वो दरअसल करीब ही किसी से मिलने आया था, रास्ते में आप लोगों का घर पड़ा तो सोचा मिलने चला हूँ। आप लोगों ने माइंड किया? नहीं नहीं अंकल, हमें तो बहुत अच्छा लगा आप आए। अम्मी बैठिए ना, आप कहाँ जा रही हैं? आप लोग बातें करें, मैं चाय बना के लाती हूँ। आज मेरी जिंदगी का बहुत प्यारा दिन है, मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ हूं। शुक्रिया। ऐसे अंकल आप तो बहुत मजे की बातें करते हैं। अंकल चाय लीजिए ना। श्योर। बहुत मजेदार चाय, मैं तो उसका जायका भी भूल गया। मेरा मतलब है बहुत अच्छी चाय बनी। अम्मी बहुत अच्छी चाय बनाती, सभी अम्मी की चाय की तारीफ करते हैं। अंकल आप एक काम करें, आप रोज चाय पीना आ जाया करें, आप चाय पी लेंगे और मैं आइसक्रीम खा लूंगी। चलें आप मुझे इजाजत, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अंकल जरूर आइएगा दोबारा, और मेरी आइसक्रीम लाना मत भूलिएगा। जरूर इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ यार, खामोश क्यों हो गए? वो मामा ने मना कर दिया है। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखा हमें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं, किचन समेट रही थी। आपके चाचू आए थे हमारे घर। क्या
अयाज चाचू आए थे तुम्हारे घर, क्या बोल रही हो तुम? हाँ शायद यहाँ किसी काम से आए होंगे तो हमारे घर भी आ गए। अच्छा हेमन। क्या हुआ यार, खामोश क्यों हो गए? वो मामा ने मना कर दिया है, वो इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे। मगर क्यों, आज नहीं तो कल उन्हें हमारी शादी तो करनी है ना। यार मामा की बात मान लो, एक तो मेरी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी मामा इतनी जल्दी शादी करने पे जिद क्यों कर रही हैं। अभी रसम कर लेते हैं, शादी कुछ महीनों बाद हो जाएगी। हेमंत जहां इतना इंतजार किया है थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काश मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती, आपको बता सकती कि रशीद साहब ने मेरी इज्जत का कितना बड़ा तमाशा बना दिया था, कितना घटिया इल्जाम लगाया था मुझ पर। हेमंत कहां गई हो? हेलो मेरी बात सुन रही हो ना तुम? हाँ सुन रही हूँ। समझने की कोशिश करो हेमंत, मामा मान गई हैं यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं नहीं चाहता किसी की इज्जत की वजह से मामा का इकरार इंकार में बदल जाए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। चुप कर जाओ। मैंने और हेमंत ने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, चाहे वो हमारी इस्तात से बाहर ही क्यों ना थी। हमें ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश? हजार दो हजार रुपए से कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। कब से सोच रही थी कि अच्छा सा ड्रेस ले लूं, मगर उसके लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। वो आयान की मामा ने जल्दी शादी करने से इनकार कर दिया है। मैं आन की अम्मी से दोबारा बात करती हूँ। नहीं नहीं आप दोबारा बात मत कीजिएगा, वो राजी नहीं होंगी। वैसे हेमन आप ही अयान भाई के चाचू कितने अच्छे हैं ना, अगर हमारे पापा होते तो शायद बिल्कुल ऐसे ही होता। हाँ बहुत अच्छे हैं। उनकी बेटी कितनी लकी होगी ना, काश मैं भी किसी रिच इंसान की बेटी होती। तब भी तुम्हें प्रॉब्लम नजर आती, मसले खत्म थोड़ी होते हैं तुम्हारे। भाभी आज तो कह रहे थे कि भाभी को इस तरह मना नहीं करना चाहिए था हेमंत की अम्मी को, शादी जल्दी हो जाती तो इसमें हर्जी क्या था। लेकिन मैंने कहा आपने बिल्कुल सही किया है, सीखनी क्या जल्दी उन लोगों को शादी की। वालेकुम अस्सलाम। सानिया आप अयाज को बताइएगा कि फैसला हो चुका है। मैंने अयान से कह दिया है कि वो हेमंत की वालदा को बता दें कि हम लोग इतनी जल्दी शादी करने के हक में बिल्कुल भी नहीं है। अयान आपने बता दिया ना उन्हें? जी मामा। चाची चाचू क्या हेमंत के घर गए थे? आयान का फोन आया था, उसकी मामा ने जल्द शादी करने से मना कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसे क्या घूर रही हो? अच्छा शादी करना ही नहीं चाह रहे जल्दी तो हम क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना उनके साथ। एक काम करो, वो ये बर्तन बर्तन से बैठो और जाके किचन में रखो, मैं आ रहा हूँ कमरे में। बहुत टाइट नहीं आ रही, बहुत टाइट वाली समझ रही है ना, आ जाना। बाबा एमन के घर क्यों जाएंगे मामा? वो कैसे जा सकते हैं एमन के घर? यकीनन एमन झूठ बोल रही है। हाँ वो कह रही थी वो आसपास किसी काम से आए थे तो उनके घर भी चले गए थे। वो क्यों गए थे वहां?
वो तो अपने रिश्तेदारों तक क्या नहीं जाते, फिर वहां क्यों चले गए? अच्छा किया ना अयाज ने, अगर वो मुझे बता देते तो मैं भी उनके साथ ही चली जाती। अयाज जैनब, तुम कहो कैसे कॉल किया? अयाज मैं शायद आपसे कुछ ना शेयर करती, लेकिन मामला मेरा नहीं है, मेरी बेटी का है। तुम कहना क्या चाहती हो जैनब, साफ साफ कहो। वो जैनब प्लीज, आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ईमन और आयान की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि आयान के घर वाले आ रहे हैं आज शादी की तारीख तय करने। मना कर दिया रे, नहीं कर रही हमें शादी वादी कोई। अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हमारी इज्जत खाक में मिल गई है, तमाशा बन गया। वो लड़का नहीं अहमद, उसने हमारी अहमद की इज्जत। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ईमन और आयन की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए, मजीद कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूं। तुम बेफिक्र रहो जैनब, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। रशीद का मामला मुझ पे छोड़ दो, मैं जान गया हूं उस कमीने आदमी को किस तरह डील करना है, इस जानवर के सामने कौन सा चारा डालना है। लेकिन आपकी भाभी, उन्हें भी मैं समझा दूंगा। सानिया, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मैं इसी हफ्ते यूके जा रहा हूं, एक बिजनेस ट्रिप है। क्या, कितने दिन के लिए? अब कुछ दिन लगेंगे, कुछ कह नहीं सकता। फिर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप जानते तो हैं उरूज और शाहजेब की शादी। हाँ पता है मुझे, मगर उनकी शादी में तो अभी टाइम है। ऐसा करते हैं, इसी हफ्ते उनकी रस्म कर देते हैं, फिर मैं चला जाता हूं। जब मैं वापस आ जाऊंगा तो उनकी शादी कर देंगे, ठीक। मगर एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, अगर क्या? आप क्या सोच रहे हैं? देखो सानिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अरूज और शाहजेब बहुत मुश्किल से राजी हुए इस रिश्ते के लिए, और अरूज का जो बिहेवियर है ना शाहजेब के साथ, डर लगता है कहीं दोबारा इनकार ना कर दे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरूज को अगर इनकार करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अरूज ही इनकार करे, रोज के रवैये से नाला होकर शाहजेब भी इनकार कर सकता है। मेरा मतलब है, हम जितना डिले करेंगे शादी को, रिस्क उतना बढ़ सकता है। उन दोनों में से किसी एक का भी इरादा चेंज हुआ तो तुम क्या करोगी सानिया? सोच। तक नाराज रहने का इरादा है? मेरा मूड ऑफ नहीं है। अच्छा, तो
फिर ये सब कुछ क्या है? कम ऑन ऐमन, इस तरह तो मत करो यार। जहां इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, तो इतना सा मसला ये भी सॉल्व हो जाएगा। और आज नहीं तो कल हमारी शादी हो जाएगी, तुम परेशान क्यों होती हो यार? आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। ऐमन, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ यार, लेकिन तुम भी तो मामा की बातों को समझने की कोशिश करो। उन्होंने इतना बड़ा फैसला चेंज किया, वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो गई सिर्फ मेरी वजह से। अब हमें भी तो इनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए ना। तुम प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो यार, प्लीज। फाइनली अरुज, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी और शाहजीत की शादी जल्दी कर दूं। व्हाट? मामा आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है? कल तो आप मुझे कह रही थी कि मैं ताईजान से बात करूंगी कि वो ऐमन के घर वालों को मना कर दे। हाँ से आपको क्या हो गया? हाँ लेकिन ऐमन की माँ सही तो कह रही है, आज नहीं तो कल तो शादी करनी है। क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी से पहले ही फारिग हो जाऊं? और ये तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। कौन सी फ्रेंड? उरूज। बाय उरूज। चले आ यार। मार के अबे क्या उड़ा रहे हो? हुकुम साहब, अरे आप तो अयान के चचा हैं। अयान भाई जी, आइए मेरे साथ, आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे? जी। रूज, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा कि तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ देखकर? हमारे दरमियान कोई नया रिश्ता नहीं, लेकिन पुराना रिश्ता तो है ना। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी कजन हुआ यार, तुम्हारे ऑफिस तो आ ही सकती हूँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऑफ कोर्स तुम आ सकती हो, लेकिन आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देती। मैंने कहा ना, मेरा इरादा नहीं था यहाँ आने का, बस किस्मत ले आई। वैसे भी तुम्हारे घर जाने का वक्त है ना, तो सोचा है तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। हेमंत भी आने वाली होगी, अगर रूज ने ऐमन को देख लिया ऑफिस में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, ऐमन को मैसेज करके बता देता हूँ। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस चले आ यार। ऐमन, तुम यहाँ अयान के ऑफिस में? वो एक्चुअली हाँ, वो ऐमन भी मिलने आई थी मुझसे यहाँ पर। वो एक्चुअली हमको कुछ शॉपिंग करनी थी साथ में, तो इसलिए मैंने ऐमन को यहीं पर बुलवा लिया। तुम कब आई हो रोज? हाँ अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। अगर मुझे पता होता तुम दोनों का कोई प्लान है तो नहीं आते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपने हमारे साथ चलना है तो यू मोर देन वेलकम, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, तुम दोनों को जाना है तो तुम लोग जाओ, मेरी वजह से तुम दोनों का प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोगों की प्लानिंग तो क्या उनकी लाइफ तक डिस्टर्ब करके खुश होते हैं।
और अपनी महरूमियों का बदला दूसरों की खुशी छीन के लेते हैं। अरे अयाज भाई, आपको किस तरह समझाऊं मैं कि हम मेमन की शादी इतनी जल्दी नहीं कर सकते। लड़कियों की शादी में हजार झमेले होते हैं। आप खुद सोचिए, एमन की शादी के बाद माहिम की भी शादी होनी है ना। देखिए बात सुने, एमन और माहिम जो है वो मेरी बेटियां, अब मुझे उनकी ज्यादा फिक्र होगी किसी और को होगी। वो मेरी बेटियां हैं, मेरा मतलब है उरूज की तरह वो मेरी भी बेटियां हैं ना। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। आप जानते हैं कि एमन और अयान की शादी के बाद उरूज और शाहजेब की शादी भी होगी। हाँ सब जानता हूं, लेकिन अब हर चीज आपकी मर्जी की तो नहीं हो सकती ना। अब जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपकी भाभी ने भी कहा था कि उनको शादी की कोई जल्दी नहीं है, तो फिर आपको किसी की जल्दी। देखिए मैं बता चुका हूँ कि मेरी बेटी की शादी के बाद मैंने बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना है। देखे अयाज भाई, ये आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। शादी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। पैसे हमारे पास है कहां से? कहां से लाए पैसे? ओ ये लीजिए, कुछ पैसे हैं, बेटी की शादी में काम आएंगे। कम पड़े तो मैं और भी दूंगा। अभी से यान ने एमन की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। वो तो रूज ऑफिस चली गई तो उसे पता चल गया शॉपिंग का। पता नहीं अब तक कितने पैसे खर्च कर चुका होगा उस पर। तेरे तो मजे आ गए ईमान से। मन की शादी के बाद तो तेरी लॉटरी ऐसी निकलेगी।